हरे कृष्ण। अचेत्य भेदा भेद तत्व किसे कहते हैं, या चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा तत्व दिया है? उत्तर, चैतन्य महाप्रभु ने हमें अचिंत्य भेदा भेद तत्व का ज्ञान दिया है, अर्थात भगवान और हमें दोनों को समझाने के लिए एक तत्व दिया है जिसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। उसके अनुसार भगवान और हम यानी कि जीवात्माएं दोनों गुणात्मक रूप से एक जैसे हैं, परिमाणात्मक रूप से अलग अलग हैं। गुणात्मक यानी गुण उनके एक जैसे हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, अर्थात आत्मा भी सच्चिदानंद है। सत, चित्त और आनंद, इसे कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान भी सच्चिदानंद और जीवात्मा भी सच्चिदानंद, दोनों में समान गुण हो गया। आत्मा शरीर नहीं, हमारी जो आत्मा है वो और भगवान दोनों सच्चिदानंद है, तो दोनों के गुण कैसे हो गए? एक जैसे। अब परिमाण, परिमाण यानी मात्रा में भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे। भगवान विभू, हम अणु। तो इसको कैसे समझेंगे? जैसे समझिए एक सोने की खान है, तो पूरा खान तो बहुत बड़ा है, पर अगर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है तो वो बहुत छोटा है। अगर सोने की खान हम भगवान को मानते हैं तो हम सोने का टुकड़ा, तो सोने की खान और सोने का टुकड़ा दोनों में गुण के रूप में एक ही है, दोनों सोना ही है, पर खान बहुत बड़ा और टुकड़ा बहुत छोटा। इसी प्रकार भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे, पर दोनों में समान गुण है। एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, अग्नि। अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है कहीं बहुत तेजी से, तो जो पूरा अग्नि का बहुत बड़ा रूप है वो हो गए भगवान, और उसकी छोटी सी चिंगारी जो ऊपर आकाश में उड़ रही है वो हो गए हम। तो दोनों अग्नि है, पर एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा। तो बड़ा जो है वो भगवान, यानी कि मात्रा में भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे। तो इसलिए दूसरा उदाहरण ये दिया है। और तीसरा उदाहरण दिया है समुद्र। समुद्र का पानी खारा होता है, और यदि समुद्र के पानी से हम एक बूंद पानी, एक लोटा पानी निकालते हैं तो वो भी सेम गुण वाला है, खारा वो भी है, खारा वो भी है, पर ये एक लोटा पानी क्या है? बहुत छोटा, समुद्र बहुत बड़ा। तो अब तीन उदाहरण से हम समझ चुके हैं कि भगवान और हम दोनों में गुण एक जैसे हैं, पर भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे। भगवान मात्रा में हमसे बहुत बड़े इसलिए विभू कहलाते हैं, हम बहुत छोटे इसलिए हम अणु कहलाते हैं। भगवान अगर बहुत बड़े मात्रा में अग्नि हैं तो वो जलते रहते हैं, उनमें शक्ति बहुत ज़्यादा है, और हम छोटी सी चिंगारी हैं तो हम बहुत जल्दी बुझ जाते हैं, हमारी शक्ति बहुत कम है। तो ये मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया है, ठीक है? तो ये है, इसको इसलिए अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहते हैं। पहला, अचिंत्य का मतलब है चिंतन से परे, हमें हमारी समझ से परे, हम चिंतन नहीं कर पाएंगे ऐसा तत्व। और भेद और अभेद, भेद अभेद दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया? भेदा भेद। भेद का मतलब है दोनों में समानता का नहीं होना, दोनों में कुछ अंतर है, और अभेद का अर्थ है समान। तो अभेद क्या है और भेद क्या है? भेद हो गया उनके आकार में, भेद है, आकार एक जैसे नहीं है। अभेद क्या हो गया? गुण में भेद नहीं है, दोनों सच्चिदानंद। इसीलिए अचिंत्य भेदा भेद, ये हो गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया तत्व जिसको गौड़ीय वैष्णव फॉलो करते हैं। हरि बोल।